कौमी इदारों को तनकीद का निशाना बनाने वालों को कौम माफ नहीं करेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की फवाद चौधरी से मुलाकात के बातचीत। वफाकी वजीर का कहना है कि ऑपोजिशन के किसी एहतजाज से हुकूमत को कोई भी खतरा नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से गवर्नर हाउस में वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मुलाकात की, जिसमें सियासी और हकूमती अमूर समेत दीगर इशूज़ के बारे में बातचीत की गई। इस मौके पर गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि हकूमत और अफवाज पाकिस्तान समेत तमाम इदारे एक पेज पर हैं। हकूमती एजेंडा तरक्की और खुशहाली है, सियासी मुखालफीन इंतशार चाहते हैं। चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि ऑपोजिशन एहतसाबी अमल को ब्रेक लगवाना चाहती है, मगर ऐसा नहीं होगा। शफाफ और बिला तफरीक एहतसाब मुल्क को कौम के लिए लाजिम हो चुका है। मुल्क की तरक्की की राह में रुकावटों का ऑपोजिशन का मंसूबा नाकाम हो गया। मुल्क की दिफा को यकीनी बनाने वाली अफवाज पाकिस्तान पर कौम को फख्र है। अक्वामे मुत्तहिदा में इमरान खान ने कश्मीरियों का भरपूर मुकदमा लड़ा। फलस्तीनी अवाम पर इसराइली दहशतगर्दी मुसलसल बढ़ रही है। दुनिया में अमन के लिए मसला कश्मीर और फलस्तीन को हल करना होगा। फवाद चौधरी का कहना था कि आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। ऑपोजिशन फिर से नाकाम हो गई। इमरान खान बतौर वजीर आजम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। हुकूमत कमजोर तबकात को मजबूत बनाने के लिए अमली इकदाम कर रही है।